अस्सलाम वालेकुम। आप लोग टिकटॉक के ऊपर लोगों की वीडियोस देखते हैं और यही सोचते रहते होंगे कि यार इनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं, ये लोग पता नहीं कितना पैसा कमा रहे होंगे। तो आज आप लोग भी टिकटॉक का एक ऐसा अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं जिससे आप लोग भी पैसा कमा सकते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से टिकटॉक का यूके अकाउंट बनाएंगे और विदाउट वीपीएन बनाएंगे। जी तो आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो पहले वाली है ओरिजिनल वाली, उसको हम अनइंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास ये पहले वाली पड़ी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जी तो अनइंस्टॉल हो गई। अब आते हैं वापस इस जगह पे और दोबारा से इसके ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये दो ऑप्शंस आप लोगों को दे रहा है, यहाँ पे फाइल व्यूअर और उसके बाद पैकेज इंस्टॉलर। पैकेज इंस्टॉलर को आप लोगों ने क्लिक करना है और जस्ट वंस के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये इंस्टॉल होगी। डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस ऐप? यस इंस्टॉल। थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे देखें तो ऐप इंस्टॉल्ड। सिंपल, आप लोगों ने ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है? इसको अलाउ कर दें। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है मॉड सेटिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आएगा चेंज कॉन्टेंट रीजन, पहले वाला, ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आप लोग आए तो ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखें गो बैक की ऑप्शन नजर आ रही है, इसको आप लोगों ने गो बैक कर देना है, ठीक है? अब आप लोगों की जो लोकेशन है वो यूके की हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे सिंपली गो बैक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और अब इसको क्लोज कर देना है आप लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे ये देखें आप लोगों के सामने आ चुका है। इसको बेशक आप लोग स्किप करें, ऊपर से स्किप करते जाएं, एग्री एंड कंटिन्यू करें और स्टार्ट वॉचिंग के ऊपर क्लिक कर देना है हमने, ठीक है? ये इस जगह पे। अब यहाँ पे आप अगर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे अब आप लोगों को कह रहे हैं कि साइन अप करें, तो सिंपली आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है, यूज फोन नंबर और ईमेल, फेसबुक या गूगल। आप लोगों ने यूज फोन नंबर और ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों को आपका फोन नंबर दिखाएगा, तो आप लोगों ने इसको करना है नन ऑफ अबव, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे GB44 मतलब कि यूके का कोड है 44+44, ठीक है? मतलब कि आप लोगों का यूके का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास फोन नंबर नहीं है, हम सिंपल ईमेल के ऊपर आएंगे। ईमेल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप लोगों ने ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है अपना पासवर्ड रखो। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजर नेम। अच्छा, याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला आए, वो टू मेनी अटेम्प्ट्स का आप लोगों को एरर शो करे, तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों के पास वो इशू आता है तो आप लोग पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं या डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहेगा कि टू मेनी अटेम्प्ट्स ट्राई लेटर, ठीक है? तो वो इशू हो सकता है आपके पास आए, उसका सोल्यूशन भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूजर नेम दे देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना यूजर नेम दिया, कंफर्म पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये देखें, ये हमारे पास लाइव का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे, ये देखें इस जगह पे, ठीक है? लाइव का भी ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद अगर हम अपने प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल 00 है हर चीज़। यहाँ पे थ्री लाइन्स के ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे आप लोग क्रिएटर टूल्स के अंदर आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, तो आप लोगों को टिकटॉक शॉप की भी ऑप्शन नज़र आ रही है, टिकटॉक मार्केट प्लेस भी नज़र आ रही है आप लोगों को, और उसके बाद टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम भी नज़र आ रहा है, टिकटॉक शॉप फॉर सेलर भी नज़र आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी पहला जो हमारा फोकस है वो है क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये रिक्वायरमेंट्स जस्ट आप लोगों ने कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप लोगों का टिकटॉक जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो दो चीज़ों का ध्यान रखना है अपना अकाउंट सेव करने के लिए, वरना मसला हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने ये तीन लाइनों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग एंड प्राइवेसी नज़र आ रहा है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर पहले नंबर पर अकाउंट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें तो आप लोगों की जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करें और उसको कहें कि वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करें। आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आया होगा, वो कोड यहाँ पे आप लोगों ने करना है एंटर। तो जैसे ही हमने अपना कोड एंटर किया, ईमेल अपडेट हो चुकी है। अब एक ध्यान करना है आप लोगों ने, फ़ोन नंबर यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक वेरीफाई नहीं करना,
7 दिन का टाइम आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि 7 दिन आप लोगों ने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी, ना फोन नंबर अपडेट करना है, ना किसी को लाइक करना है, ना किसी को फॉलो करना है, ना कोई वीडियो अपलोड करनी है। 7 दिन आप लोगों ने जस्ट स्क्रोलिंग करनी है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्क्रोलिंग करनी है। इसको एक्सेप्ट कर लें, यहाँ पे होम पेज के ऊपर आके यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने स्क्रोलिंग करते रहना है 7 दिन, ठीक है? उसके बाद जाके आप लोगों ने अपना जो है यहाँ पे किसी को लाइक करना है या फॉलो करना है, यहाँ से जाके आप लोग अपना यूजर नेम चेंज करना है, या वो भी नहीं करना चाहते तो ठीक है, और 7 दिन बाद ही आप लोगों ने अपनी फोटो ऐड करनी है यहाँ पे। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे फोन नंबर, देखे मेरी बात सुने, अगर आप लोगों के पास कोई यूके का बंदा है, कोई यूके का दोस्त यार है, उससे अगर आप लोग यूके का नंबर लेके यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोग नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, तो वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो पाकिस्तानी भी ऐड कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? बाकी अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं यूके का नंबर, तो स्काइप बेस्ट ऑप्शन है। स्काइप के ऊपर जाके आप लोग जो यूके का नंबर है वो परचेज कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को बिल्कुल लीगल चीज मिलेगी 1 नंबर की, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हो सकता है आप लोगों का वो कैशे वाला इशू आए, ठीक है? मतलब कि टू मेनी अटेम्प्ट्स वाला इशू है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपनी सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है टिकटॉक, ठीक है? टिकटॉक ये सर्च करेंगे आप लोग। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा मोबाइल डाटा, 1 मिनट, स्टोरेज, स्टोरेज के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लियर कैशे क्लियर डाटा ये सारा कुछ कर देना है। जैसे आप लोग क्लियर कैशे क्लियर डाटा करेंगे तो आपका वो वाला एरर भी खत्म हो जाएगा। ओके, हो गया, ये प्रॉब्लम भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 7 दिन के बाद फिर आप लोगों ने सारे इसके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, और लाइफ पे पैसा शैसा जैसे दिल करता है, शॉप के ऊपर पैसा निकालें, एफिलिएट के ऊपर पैसा निकालें, एड्स के ऊपर पैसा निकालें, वो फिर आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है। तो होप सो आप लोगों का मसला सॉल्व हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।